She is Jyotsna Jain. Hi. And she is living zero waste life. सुबह से लेकर रात तक हमारे डेली रूटीन में हम जो भी करते हैं उससे जाने अनजाने में वेस्ट जनरेट हो ही जाता है। फिर चाहे वो प्लास्टिक टूथब्रश से हो, बॉडी वॉश या शैम्पू से, या फिर मार्केट से कुछ भी सामान लाने से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक पर्सन एक दिन में अराउंड 2 kg वेस्ट जनरेट करता है। 2 kg into 365 is 730 kg in a year. Just multiply this by the world population. This is the digit we produce waste. Surprising, isn't it? यही देखते हुए ज्योत्सना ने डिसाइड किया कि वो अपने डेली रूटीन से कम वेस्ट जनरेट करेंगी। सो लेट्स सी हर डेली रूटीन एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हर। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बैम्बू टूथब्रश यूज करती हूँ। उसके बाद टूथपेस्ट मैंने बेकिंग सोडा, कोकोनट ऑयल और एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके बनाया है। फेस एंड बॉडी वॉश के लिए मैं एक ही हैंडमेड नेचुरल सोप यूज करती हूँ। आई यूज कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर। That too, I buy loose in my own container from the market. इतना ही नहीं, ज्योत्सना शैम्पू भी अपने घर पे बनाती हैं। Let's see कैसे। आजकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में कितने हार्मफुल केमिकल्स डालती हैं। इसीलिए मैंने आंवला, शिकाकाई और रीठा को मिक्स करके ये शैम्पू बनाया है। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से लूज में मिल जाएगा। जब भी आपको इस शैम्पू को यूज करना हो, आप इसको पानी में मिक्स करो एंड योर शैम्पू इज रेडी एंड दैट टू विद जीरो केमिकल्स। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट से ग्रोसरीज लाने में, बिकॉज जो भी आता है वो प्लास्टिक में ही आता है। उसका क्या अल्टरनेटिव है? मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, मैं हमेशा अपने साथ एक क्लोथ बैग कैरी करती हूँ, सो दैट मुझे बाहर से प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे हमेशा पैकेज फ्री और लूज में चीज मिले, या फिर वो ग्लास में और टिन कंटेनर में पैक हो। अगर तब भी मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो तो मैं चेक करती हूँ कि प्लास्टिक का नंबर 1 या 2 हो जो कि कम्प्लीटली रिसाइक्लेबल है। एंड अगर नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक घर आ भी जाए तो मैं उसको क्लीन एंड ड्राई करके उसकी इको ब्रिक बना लेती हूँ। इको ब्रिक्स बनाना बहुत ही सिंपल है। प्लास्टिक की बॉटल में ऐसे प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक वेस्ट को तब तक इंसर्ट करते जाएं जब तक बॉटल एकदम टाइट ना हो जाए एंड योर इको ब्रिक इज रेडी। बट वेयर टू यूज इट? वी कैन मेक दिस इको ब्रिक इनटू फर्नीचर एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन आवर हाउस। एंड आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये इको ब्रिक्स एक्सेप्ट कर रही हैं ताकि वो उसको बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकें। लेट्स सी वो डेली अपने बैग में क्या कैरी करती हैं। मेरे बैग में यू विल ऑलवेज फाइंड अ क्लोथ बैग, अ बैम्बू स्ट्रॉ एंड माय ओन वाटर बॉटल, सो आई डोंट हैव टू बाय प्लास्टिक पैक वाटर, अ बेसिक कटलरी फॉर स्ट्रीट फूड, अ कॉफी कप एंड अ स्मॉल कंटेनर फॉर माय लेफ्ट ओवर्स। और अगर मैं बाहर कोई वेस्ट जनरेट करती भी हूँ तो मैं उसको लिटर नहीं करती, मैं उसको अपने साथ घर ले आती हूँ। वेस्ट को पर्स में डाल के घर ले आती हो? बट व्हाट डू यू डू विद इट? आई हैव 2 bins इन माय किचन, 1 for compostable waste यानी कि वेट वेस्ट, अदर बिन फॉर ड्राई वेस्ट सच एज प्लास्टिक, ग्लास, क्लीन पेपर एंड ई वेस्ट। और मेरा जितना भी रिसाइकलिंग वाला वेस्ट होता है वो मैं किसी लोकल कबाड़ी वाले को दे देती हूँ। कंपोस्ट बिन में आई पुट ऑल माय किचन वेस्ट, जैसे फ्रूट और सब्जियों के छिलके और जो भी कंपोस्टेबल है, ताकि उसका बाद में खाद बना के यानी कंपोस्ट बना के उसको बाद में प्लांट्स में यूज किया जाए। सो व्हाट अबाउट क्लीनर्स, क्योंकि वो भी तो प्लास्टिक में ही आता है। हाउ डू यू मेक देम? आई मेक 2 basic मल्टीपर्पज एंड नेचुरल क्लीनर्स जो घर के सारे केमिकल क्लीनर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। सो डज दैट मीन यू डोंट जनरेट एनी वेस्ट? I do, but I try to compost, recycle and make eco bricks with whatever waste I generate in my daily life. अगर हम सब ज्योत्सना की तरह अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें तो हमारे प्लेनेट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ज्योत्सना, यू रियली इंस्पायर्ड मी एंड आई प्रॉमिस टू अडॉप्ट एज मेनी चेंजेस इन माय लाइफ एज पॉसिबल। तो अगर आपको भी ज्योत्सना की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो लेट्स टेक अ प्लेज कि ज्योत्सना की लाइफस्टाइल से एटलीस्ट 2 changes हम सब अडॉप्ट करेंगे, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि वो कौन से 2 changes हैं जो आपने अडॉप्ट किए हैं। ऑल्सो अगर आपको ज्योत्सना से जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी पूछना है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। That's it for this video with another new inspiring story. See you next Monday.